हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बेंचमार्क स्टडी। आज हम लेकर आए हैं कैपिटल मार्केट का पार्ट टू। तो देखो, जो हमारा पार्ट वन था उसमें हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कैपिटल मार्केट होता क्या है, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर क्या होती है, फिर हमारे एफडीआई, एफडब्ल्यूआई क्या होता है हमारा, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल मार्केट पार्ट वन में। तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिएगा, इसमें पार्ट टू में हम डिस्कस करेंगे। हमने पार्ट वन में आईपीओ डिस्कस किया था, उसमें हमारी कुछ चीजें रह गई थी। वो थी हमारी एक ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, फिर रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है। तो ये हमारा आईपीओ वाले में पार्ट रह गया था, तो इसको आज डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को और बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पे रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। तो देखो, इस वर्ड को अलग अलग पढ़िएगा। रेड हेरिंग का मतलब होता है आपका इनकम्प्लीट, और प्रोस्पेक्टस का मतलब होता है इंफॉर्मेशन। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन करने गए थे तो आपको सबसे पहले क्या दिया था कॉलेज वालों ने, एक प्रोस्पेक्टस दिया था जिसमें क्या थी, कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। तो राइट हियरिंग प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या हुआ, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों बोला गया है, इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस की। तो देखो, जो कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है वो साथ में क्या लाती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये ऐसा क्यों करती है, क्योंकि देखो, जो कंपनी फेमस है, जिनका नाम काफी है मार्केट में, वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर जो छोटे स्केल की कंपनी है, वो अपना आईपीओ लेकर आ रही है तो लोग उसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, तो वो क्या करती है, अपने साथ रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस लाती है जिसमें कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है कि भाई कंपनी कब बनी थी, ठीक है, फिर उसकी ग्रोथ कैसी है, उसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, फिर उसके फ्यूचर गोल क्या है, ठीक है, फिर जो ये यहाँ से आईपीओ से पैसा उठाएगी उसका आगे फ्यूचर में क्या काम करेगी, वो सब इंफॉर्मेशन दी गई होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। तो इसको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन क्यों बोला गया, क्योंकि देखो, जो कंपनी आईपीओ लेकर आएगी उसमें जो उसका शेयर होगा, उसका प्राइस कितना होगा, ये नहीं बताता ये हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, बल्कि क्या बताता है कि प्राइस बैंड कितना होगा वो बताता है। प्राइस बैंड का मतलब कि जो कंपनी का शेयर है उसकी वैल्यू कितने से कितने तक हो सकती है। तो सपोज वो बोल देगा 225 से 250 रुपए, तो ये क्या हो गया, प्राइस बैंड हो गया कि जो कंपनी का शेयर होगा उसकी वैल्यू 225 से लेके 250 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। यहाँ पे ये प्राइस नहीं बताता, प्राइस बैंड बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, प्राइस बैंड में जो होती है आपकी मिनिमम वैल्यू, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं हम फ्लोर प्राइस, ठीक है, फ्लोर प्राइस। और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको क्या बोलते हैं हम, कैप प्राइस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, जो कैप प्राइस है ना वो फ्लोर प्राइस का मैक्सिमम कितना हो सकता है, 20%। 20% से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। जो ये वाली वैल्यू है वो कितना परसेंट इंक्रीज हो सकती है इस वैल्यू से, सिर्फ 20%, 20% से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब बात करते हैं हम आईपीओ के प्राइसिंग मेथड की, कि जैसे आईपीओ लॉन्च हो रहा है तो उसमें जो शेयर का प्राइस होगा वो कैसे डिसाइड होता है, वो दो मेथड से डिसाइड होता है। पहला तो है हमारा फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। अब इसमें क्या होता है, इसमें कंपनी आएगी और बोलेगी कि हमारा एक शेयर जो है उसकी वैल्यू फिक्स है, कि एक शेयर की वैल्यू समझ लो ₹100 है, तो इस हिसाब से आप परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। और दूसरा क्या है हमारा, बुक बिल्डिंग मेथड, जिसमें क्या यूज होता है, ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का यूज होता है, ठीक है। अब बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है, जैसे आपको पता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या दिया होता है, प्राइस बैंड दिया होता है, प्राइस बैंड दिया है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि 225 से 250 रुपए का प्राइस बैंड दिया था। अब यहाँ पे आईपीओ जो होगा, आईपीओ का शेयर होगा, उसका प्राइस डिसाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे वो देखो, जो हम आपके ऑर्डर प्लेस होंगे ना उसके हिसाब से वेटेड एवरेज निकालेंगे, मतलब कि 225 रुपए पे कितने शेयर लोगों ने परचेज किए हैं, ठीक है, फिर 230 रुपए पे कितने शेयर लोगों ने परचेज किए हैं, फिर 35 पे कितने किए हैं, फिर 40 पे कितने किए हैं, फिर 45 पे कितने किए हैं, फिर 250 पे कितने शेयर्स परचेज किए हैं, इस हिसाब से वो वेटेड एवरेज निकालेंगे, फिर देखेंगे कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट किस दाम पे हो रहा है, ठीक है, और मैक्सिमम शेयर किस दाम पे बिक रहे हैं, ठीक है। तो जैसे समझ लो उन्होंने डिसाइड कर लिया एक नंबर की 240 पे उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जिन लोगों ने बिड किया है 225 पे उनको शेयर अलॉट नहीं होंगे, ठीक है, और जिन्होंने बिड किया है 245 पे उनको शेयर अलॉट होंगे, पर उनको क्या होगा, जो ₹5 है ना पर शेयर वो वापस मिल जाएंगे। समझ लो उन्होंने 245 पे 100 शेयर मतलब बिड किया था, उन्होंने 100 शेयर की वैल्यू वो बोली लगाई थी 245 पे, तो क्या होगा, प्राइस तो डिसाइड हुआ 240, ठीक है, तो इन्होंने पर शेयर कितना पैसा दिया, ₹5 एक्स्ट्रा दिया, और कितने शेयर बुक किए थे, 100 शेयर, तो इनको क्या होगा, ₹500 वापस खाते में क्रेडिट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा बुक बिल्डिंग मेथड। इसमें होता क्या है, हर शेयर पे कितनी बोली लगी है, फिर उसकी वेटेड एवरेज निकालते हैं, और जिसमें सब कंपनी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है
उस शेयर पे क्या कहते हैं, उस प्राइस पे शेयर को अलॉट कर देते हैं बाकी लोगों को, ठीक है। अब ये तो ये हमारी बात आईपीओ प्राइसिंग मेथड की। अब यहाँ पे देखो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, अगर आप शेयर परचेज कर रहे हो किसी कंपनी का, आईपीओ खरीद रहे हो, तो सबसे बड़ा डर आपको क्या होगा कि सपोज कंपनी तो बोल रही है 225 से 250 के बीच में शेयर की वैल्यू आएगी, ठीक है, पर जिस दिन आईपीओ लिस्ट होगा, ठीक है, जिस दिन मार्केट में लिस्ट हो जाएगा, अगर ये वैल्यू 200 पहुंच गई तो मेरा तो सीधा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे करती है कंपनी, कि कंपनी भरोसा कैसे दिलाती है कि आप कोई बात नहीं इन्वेस्ट करो, नुकसान होगा तो हम बचा लेंगे, उसका मेथड क्या है, ठीक है, वो कैसे कट ऑफ करती है इस रिस्क को, वो आगे डिस्कस करते हैं। तो देखिए किसी कंपनी के आईपीओ की वैल्यू ना गिरे और वो स्टेबल रहे, उसके लिए कंपनी आजकल क्या यूज कर रही है, ग्रीन शू ऑप्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं जीएसओ। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा, क्योंकि देखो सबसे पहले इसको एक ग्रीन शू कंपनी ने यूज किया था 1963 में, तब से इसका नाम ग्रीन शू ऑप्शन पड़ा हुआ है। इंडियन मार्केट में कब आया ये मेथड, ये आया 1995 में, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली सपोज आपकी कंपनी है एक्स वाई जेड और उसने टारगेट लिया है कि हम आईपीओ में लॉन्च करेंगे 100 शेयर्स ओनली, ठीक है, 100 शेयर्स ओनली ये लॉन्च करेंगे आईपीओ में। अब क्या हुआ, जो आपका आईपीओ है, ठीक है, वो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो ये क्या करेंगे, ये जो है जिन्होंने जितना इनका टारगेट था उसमें ये 15% का इजाफा कर सकते हैं। मतलब पहले इनका टारगेट था कि ये 100 शेयर लॉन्च करेंगे आईपीओ में, पर अब ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया तो इन्होंने क्या किया कि 115 शेयर लॉन्च कर दिए आईपीओ में, ठीक है। मतलब पहले जो इनका टारगेट था, ठीक है, टारगेट था, उससे ये 15% इंक्रीज कर सकते हैं बाय यूजिंग ग्रीन शू ऑप्शन। और ये ऐसा क्यों करते हैं, इसकी भी बात करेंगे हम, ठीक है। तो देखो टारगेट था पहले इनका 100 शेयर्स लॉन्च करने का, फिर इन्होंने क्या किया 15%, 100 का 15% कितना होता है 15 शेयर और लॉन्च कर दिया। और ये जो 15 शेयर है ये कहां से आए, ये इन्होंने लिए प्रमोटर्स से, जो कंपनी के प्रमोटर्स से उनसे लिए ये शेयर्स, ठीक है। तो अब टोटल शेयर कितने लॉन्च कर दिए मार्केट में, 115, ठीक है। तो ये देखो जो 15 ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये जो 15 है ना ये मैक्सिमम है, मतलब ये 10 भी कर सकते हैं 5 भी कर सकते हैं पर 15 से ज्यादा नहीं कर सकते, 15% मैक्सिमम वैल्यू है। तो मतलब ग्रीन शू ऑप्शन में होता क्या है, एक कंपनी जो आईपीओ में शेयर इशू करने वाली थी, जितने भी सपोज एक कंपनी आईपीओ में शेयर इशू कर रही थी एक्स, ठीक है, तो वो क्या कर सकती है ग्रीन शू ऑप्शन का यूज करके, एक्स तो करेगी प्लस 15% ऑफ एक्स और कर सकती है इशू, ठीक है। और जो 15% आएंगे ये कहां से आएंगे, ये आएंगे प्रमोटर्स के थ्रू, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी, एक अलग से बैंक अकाउंट बनाएगी, उसमें क्या करेगी, जो ये एक्स्ट्रा शेयर उसने इशू किए आईपीओ में उससे जो पैसा आया वो जाएगा इसमें, ठीक है, स्पेशल अकाउंट में, ठीक है। अब इसका मैथ यूज क्या है, इसका यूज ये है कि अगर बाय चांस कंपनी के आईपीओ के प्राइस गिर जाते हैं तो वो इस पैसे से जो उसने एक्स्ट्रा शेयर खरीदे थे और यहाँ पे सेव किए थे, इस पैसे से वापस शेयरों को खरीद लेगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसके लिए देखो सिंपल सा इकोनॉमिक का लॉजिक है, ठीक है, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा लॉजिक है, एक होता है आपका सप्लाई, एक होता है आपका डिमांड और एक होता है आपका प्राइस। इसको समझिएगा, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा है तो जाहिर सी बात है उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और उसका प्राइस भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। वही अगर किसी चीज की सप्लाई कम है तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी और प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो जी ग्रीन शू ऑप्शन है काम कैसे करता है, इसको आगे एग्जांपल से समझते हैं। तो सपोज एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और वो इशू कर रही है 1,00,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और प्राइस वैल्यू है 90 रुपए। अब ये फेस वैल्यू क्या होता है, प्राइस वैल्यू क्या होता है, इसमें डिफरेंस क्या है, ये हमने कैपिटल मार्केट की पार्ट वन वाली वीडियो में डिस्कस किया है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखो जो 1,00,000 शेयर्स हैं इसमें से कुछ जाएंगे आईपीओ में और कुछ मिलेंगे प्रमोटर्स को, ठीक है, कुछ प्रमोटर्स को दिए जाएंगे। तो सपोज आईपीओ में गए हमारे 80% शेयर और प्रमोटर्स को दिए हमने 20% शेयर, तो 80% कितना हुआ 80,000 और 20% कितना हुआ 20,000। तो ग्रीन शू ऑप्शन का यूज करके हमने क्या किया, हमने 15% शेयर और लॉन्च कर दिया आईपीओ में, ठीक है, तो 1,00,000 का 15% कितना होगा 15,000। तो मतलब पहले आईपीओ में कितना चार्ज था 80,000, अब इसमें 15,000 शेयर और जोड़ दिए, अब आईपीओ में कितने जाएंगे 95,000 शेयर्स, ठीक है। अब ये जो 15,000 शेयर्स आए, ये आए कहां से, ये प्रमोटर्स से लिए गए, ठीक है, पहले प्रमोटर्स के पास 20,000 थे, अब इनके पास 5,000 बच गए और ये 15,000 हमने इनसे उधार ले लिए और आईपीओ में लॉन्च कर दिए, तो ये वापस भी करने होते हैं, ठीक है, अब वो कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है।
तो जो ग्रीन शू ऑप्शन का मकसद है वो क्या है कि अगर आईपीओ जिस दिन लॉन्च हुआ, ठीक है, जिस दिन लिस्ट हुआ शेयर मार्केट में, उस दिन से लेके 30 दिन तक कभी प्राइस ड्रॉप होगा तो वो उसको स्टेबल करेगा, ठीक है, उसको गिरने नहीं देगा। और वो कैसे करता है वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपको प्राइस वैल्यू दी गई है आईपीओ की जिस दिन लिस्ट हो गया, ठीक है। पहले दिन वो 90 से ऊपर था, अगले दिन भी 90 से ऊपर, फिर 90 से ऊपर, 90 से ऊपर, पांचवें दिन वो 88 पे आ गया, ठीक है। तो वो अपनी प्राइस वैल्यू से नीचे गिर गया, ठीक है। फिर वो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया 84 पे, और बाकी के दिन सारे दिन वो क्या था, प्राइस वैल्यू से ऊपर था। अब इन 2 दिनों में क्या होगा, पांचवें दिन और 10वें दिन क्या करेंगे वो डिस्कस करते हैं। तो देखो सबसे पहले ये देखिए, हमने एक्स्ट्रा शेयर आईपीओ में लॉन्च कितने किए, 15,000, ठीक है, और एक की वैल्यू कितनी थी, 90 रुपए। तो 15,000 की वैल्यू कितनी होगी, 13,50,000, ठीक है। तो हमने एक नया अब बैंक अकाउंट खोला, उसमें जो हमने ये 15,000 शेयर बेचे उसका पैसा इकट्ठा कर लिया, ठीक है, 13,50,000 रुपए यहाँ पे इकट्ठे कर लिए, ठीक है। अब देखो पांचवें दिन क्या हुआ कि हमारा जो शेयर का प्राइस था वो 88 रुपीज आ गया। तो हमने क्या किया, इन पैसों का यूज करके कुछ शेयर मार्केट से खरीद लिए 88 के दाम पे, ठीक है। तो हमने देखो पांचवें दिन क्या किया, 2,000 शेयर खरीद लिए 88 के दाम पे, जिसकी कीमत कितनी आई, 1,76,000, ठीक है, इतने रुपए पड़े। तो हमने वो रुपए कहाँ से लिए, यहां से लिए, ठीक है, यहां से हमने ये रुपए निकाले, 1,76,000, और 2,000 शेयर खरीद लिए, ठीक है। अब इससे होगा क्या, वही कंसेप्ट है हमारा, सप्लाई डिमांड एंड प्राइस, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो जो शेयर्स थी उसकी सप्लाई कम कर दी, कैसे, क्योंकि 2,000 शेयर हमने अपने पास रख लिए, ठीक है, तो मार्केट में 2,000 शेयर कम हो गए तो शेयर की सप्लाई क्या होगी, कम होगी, तो उससे क्या होगा, उसकी डिमांड इंक्रीज होगी और प्राइस बढ़ जाएगा। तो देखो छठे दिन क्या हो गया, प्राइस 90 से ऊपर चला गया, फिर 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 10वें दिन क्या हुआ, प्राइस 84 पे आ गया। तो उस दिन हमने क्या किया, देखो जब 88 पे था तो हमने 2,000 शेयर खरीदे, जब 84 पे आ गया, ज्यादा कम हुआ तो हमने ज्यादा शेयर खरीद लिए मार्केट से, ठीक है, मार्केट से हमने 5,000 शेयर खरीद लिए 84 के दाम पे, जिसकी कीमत कितनी आई, 4,20,000 रुपए। ये 4,20,000 रुपए कहाँ से आएंगे, इस वाली जो हमने बैंक अकाउंट में रखे थे ना 13,50,000, उसमें से निकालेंगे हम 4,20,000 और 5,000 शेयर और खरीद लेंगे, ठीक है। जिससे क्या हुआ, सप्लाई और कम होगी शेयर्स की तो डिमांड और ज्यादा बढ़ेगी और प्राइस और ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 30 दिन तक ऐसा करते रहेंगे, अगर 30 दिन के अंदर कभी भी प्राइस गिरता है तो ये जो शेयर है उनको बाय बैक करेंगे और प्राइस को स्टेबल कर देंगे, ठीक है। और 30 दिन के बाद क्या करना होगा इनको, ये 15,000 पूरे शेयर्स जो है प्रमोटर को वापस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो 30 दिन के अंदर इन्होंने 2 बार तो शेयर खरीद लिए, 2,000, 5,000, तो टोटल शेयर कितने हो गए इनके पास, 7,000, ठीक है। प्रमोटर से कितने लिए थे, 15,000, तो इनके पास शॉर्टफॉल कितने का है, 8,000 शेयर्स का, ठीक है। तो ये 8,000 शेयर के लिए क्या करेंगे, कंपनी जो है वो फ्रेश अलॉट करेगी 8,000 शेयर 90 रुपए के दाम पे, जिसको ये खरीद लेंगे, ठीक है, 7,20,000 कॉस्ट आई। तो देखो 7,000 तो पहले खरीद लिए थे, 8,000 उन्होंने फिर से खरीदे, 8, 7, 15,000 हो गए, ये 15,000 शेयर वापस ये प्रमोटर्स को दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टोटल खर्चा, जब इन्होंने पहले 15,000 शेयर बेचे थे तो इनको पैसे कितने मिले थे, 13,50,000, ठीक है, और जब इन्होंने ये 2,000 खरीदे तो इनको इतने में पड़े, ठीक है, फिर 5,000 84 के दाम पे खरीदे तो इतने पड़े, और फिर जब 8,000 90 के दाम पे खरीदे तो इतने पड़े। तो इनको टोटल पैसे बच कितने गए, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 34,000 रुपये का इनको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये 34,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ ये कहाँ जाता है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड में जाता है, ठीक है, जो भी इसका डिफरेंस होता है वो कहाँ जाता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड में, ठीक है। तो ये था हमारा ग्रीन शू ऑप्शन, इसका यूज करके कंपनीज क्या करती हैं, अपना जो आईपीओ का प्राइस है उसको स्टेबल रखती है। इससे पहले क्या यूज होता था, इससे पहले हमारे पास एक सेफ्टी नेट मेथड था, वो यूज होता था, और वो कब तक चलता था, वो 6 मंथ्स तक चलता था, ठीक है। 6 मंथ्स में कभी भी अगर एवरेज प्राइस जो शेयर का वो कम होता है तो वो बाय बैक करते थे, ठीक है, पर वो बाय बैक अपने पैसों से करना पड़ता था इनको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन्होंने देखो पहले बेचा उसका पैसा रख लिया, फिर उससे बाय बैक कर रहे थे, ठीक है, पर यहाँ पे क्या करना पड़ता था, इनको अपने पैसे लगा के बाय बैक करना पड़ता था, और ये पर पर्सन 100, 1,000 शेयर ही बाय बैक कर सकते थे, यहाँ पे लिमिट भी थी और 6 मंथ्स काफी लंबा टाइम था। तो इसको रिप्लेस करके क्या ले आए, ये ग्रीन शू मेथड, जिसमें कितने कमी, कितने डेज का टाइम है, 30 डेज का टाइम है, ये 30 डेज तक देखेंगे कि अगर आपका प्राइस गिर रहा है तो उसको स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद नहीं, ठीक है। उसके बाद जो प्रोमोटर्स से इन्होंने शेयर उधार ले रखे होते थे वो वापस प्रोमोटर्स को दे देते थे, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।